मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में हर साल 24 जून को रानी दुर्गावती की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौंड रानी दुर्गावती मंडावी को प्रशासनिक सूझबूझ के साथ युद्ध नीति में भी कुशल बताया जाता है। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और जीते। इसी क्रम में उन्होंने अकबर की फौज से लड़ते हुए युद्ध भूमि में ही जान दे दी। रानी दुर्गावती आज भी गोंड आदिवासियों के लोकगीतों में जिंदा है। आदिवासी लोक नृत्यों और गीतों में संस्कृति और सामूहिकता की अभिव्यक्ति मिलती है। आदिवासी समुदाय अपने लोक नृत्यों के माध्यम से अपने विचार, विश्वास और जीवन मूल्यों को व्यक्त करते हैं। इन गीतों में सामाजिक रिश्तों का ताना बाना भी रहता है। आदिवासी भारत में लोक नृत्यों और गीतों की सैकड़ों विधाएं हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के गोंड और बैगा आदिवासी समुदायों से मिलते हुए इन विधाओं में से इस इलाके की दो प्रमुख विधाओं शैला और रीना को हमें देखने और समझने का मौका मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आज हमारी टीम यहां मंडला ज़िले के रामपुरी गांव में है। यहां पर गोंड और बैगा आदिवासी समुदाय रहते हैं। आज हम गोंड आदिवासी समुदाय के दो खास नाच शैला और रीना के बारे में बात करेंगे। शैला पुरुषों का नाच है और रीना महिलाओं का नाच है। यह नाच ये आदिवासी खास मौक़ों पर ही करते हैं, लेकिन जब मैं भी भारत की टीम पहुंची, तो ये सहर्ष हमारे लिए ये नाच करने के लिए तैयार हो गए। शैला नाच में मांदर मुख्य वाद्य यंत्र होता है। इसके अलावा लकड़ी की चिटकोली और टिकली के अलावा डंडे को आपस में टकराकर भी संगीत पैदा किया जाता है। यह नाच धान कटाई के बाद नाचा जाता है। जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत का समय इस नृत्य के लिए आदर्श बताया जाता है। कभी कभार बारात की आगवानी के लिए भी शैला नाचते हैं। शैला के लोकगीतों में काफ़ी विविधता मिलती है। इन गीतों में आदिवासियों के देवताओं की स्तुति और पुरखों के गुणगान, मौज मस्ती और कठिन हालातों से जुड़े गीत मिलते हैं। एक पानी की सैला लगाते हैं हम सब। पानी नहीं बरसता है, तब धूप तरफ तपन लगता है तो पानी की सैला लगाते हैं। तारे ना को ना ना मरना नारी ना ना जी हो घुमाड़े रहे ए घुमाड़े रहे चारों ओर कारी बादल घुमाड़े रहे
ही कौन पाटी बारे साए कौन पाटी गारे जाए कौन पाटी गर जाए ए कौन पाटी बूंदेला चुहाए कारी बादल घुमाड़े रहे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है साहब, जो हम इससे लगाते हैं तो बादल जो धूप तपता है, दाना जैसे सूखने लगते हैं तो फिर बदल होने लगता है। तो चारों तरफ बादल छाने लगे हैं और कौन पार्टी बादल कौन पार्टी बूंदा। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? फिर किधर बादल हुआ फिर आप से आप यहाँ आते हैं। अच्छा, कि कहाँ पे हो बादल? यहाँ आ जाओ, बादलों को बुला रहे हैं। आह्वान कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, बादल कहाँ पे हो, कहाँ खोए हुए हो, तुम आ जाओ यहाँ। गौंड समुदाय में पर्व या सामाजिक उत्सव कब मनाया जाए, यह भी सामूहिक तरीके से ही तय होता है। यहाँ अक्सर पर्व त्योहार का मौसम तो तय रहता है, लेकिन पर्व उसी दिन मनाया जाता है जब गांव के लगभग सभी परिवार पर्व को मनाने की स्थिति में होते हैं। देवी देवतान के खाना बना, इसको हम लोग चार पांच लोग सलाहकार करके हम लोग हमारे पंडा पुजारी को बताते हैं कि ऐसे में ऐसा काम करना है, ये काम हम अपन आपको करना है। हमारा साथ में है मुकद्दम, भोई, दवान, कोटवार, छिरवे, ये पांच लोग होते हैं, ये हमारा समिति है। और दो तीन लोग और हम कर लेते हैं कि नहीं, अभी से नहीं, हमारा जो परम्परागत चले आ रहा है सर, जो पहले से ही हमारा ऐसा नियम थे और हमारा जो सियाने चलाई गई से उसी टाइप हम लोग चला रहे हैं। फिर तो जैसे कोई पर्व त्योहार है या कोई और समाज का कोई फैसला लेना है जी, तो कैसे शुरू होता है, कि कैसे पूरा सिस्टम होता है, वो थोड़ा बताइए जी। हम लोग जैसे हमारा सबसे पहले हम बड़े देव पूजा आता है जेठ के महीना साते में, हम लोग इसी सलाह करके हम लोग बैठ के साते को हम पूजा करते हैं और जाई के नवा हम लोग नवा अन्न मानते हैं के ऐसे हम लोग अन्न करके सलाहकार कई ऐसे त्यौहार हैं जो हम लोग अन्न करके चार पांच लोग बैठ के सलाह कर। यहाँ के गांव के लोगों से बात करके मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने गीत संगीत, अपने नृत्य के बारे में ये लोग अब काफ़ी सचेत हो रहे हैं। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो भी इस बात से चिंतित दिखाई देती है कि कहीं उनके गीत संगीत, उनकी लोक कलाएँ, परंपराएँ लुप्त ना हो जाएँ। गोंड और बैगा आदिवासियों के क्षेत्र में रीना काफी मशहूर नाच है। वैसे सैला और रीना का नाम साथ साथ लिया जाता है, लेकिन रीना नाच महिला समूह का होता है। इस नाच में महिलाएं ताली बजाती हुई गीत गाती हैं। ये महिलाएं दो लाइन में खड़ी होती हैं और फिर गीत गाते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और पीछे हटती हैं। जैसे जैसे नाच आगे बढ़ता है उसकी गति भी बढ़ती जाती है। रीना कई मौकों पर नाचा जाता है। इस नाच के साथ जो गीत गाए जाते हैं उनमें भी काफी विविधता मिलती है। इस गीत का मतलब है जैसे हम शादी करके और हम ससुराल आ गए, तो ससुराल आ गए तो जो भी हमको दुख तकलीफ होता है ससुराल में
उस हम डर जाकर और हम पिताजी को जय सेव जय जोहार कह देते हैं और माता को है तो जो भी हमारे ससुराल के दुख तकलीफ उसको बताते हैं। तो उसे हम आर गाना में है कि घरला में लिख दे जय सेव जोहार नारी सुहू गुढ़िनी में लिख दे संदेश पिता को पहुँचे जैसे वो जोहार और माता को पहुँचे संदेश। तो हम माता को जाके संदेश बताते हैं। अच्छा, आप ये कह रही हैं इस गाने में कि पिता को नमस्कार जोहार, हाँ, और माँ के लिए मैसेज है, हाँ, कि मेरे साथ ससुराल में क्या क्या हो रहा है। हाँ, हो रहा है तो माता को बताती है, माता को बताती है। पिता को वो बात नहीं बता, पिता को नहीं बता पाती है तो माता को बताती है। यहाँ के गौंड समुदाय के ब्याह शादी और अन्य पारिवारिक उत्सवों के मौके पर कई गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में इस समुदाय के सामाजिक ताने बाने और रिश्तों के साथ साथ रीति रिवाजों और वचन की कद्र करने की परंपरा का पता चलता है। जैसे बिटिया को आंगन आते हैं, हाँ, हमारी ते जब आंगन में से पाड़ी फोड़ते हैं, हाँ, तो उसमें गाते हैं गीत। हाँ, अंगना में फूड़ी कत्ता से पड़े अरे मरे दादी परची में हारे जुबान, दादी परची में हारे जुबान, तरी न को नानी ना नारी नानी तरी न को ना नारी ना दैयो तरे न को ना नारी ना खाई दुलाई कतरे से पड़े अरे दादी हारी दुगाए जुबान, दादी हारी दुगाए जुबान, लौटाई देते कतरे से परे अरे मरे दादी लौटाई देते जुबान, दादी लौटाई देते जुबान। ऐसे गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो सिपाही फुट गए अंगना में, तो फिर अब बिक गए बिटिया, अब हार गए जुबान। अच्छा, ऐसा है इसका अर्थ। और खाले सिपाही अब हार गई जुबान, को तो अब देने छे ना तनखो, ऐसा है। हाँ, अब देने छे ससुराल भेजने चाहिए। गौंड समुदाय के ब्याह शादी में औरतों के गीतों में शादी की सभी रस्मों और रिश्तों का विवरण रहता है। अगर इन गीतों को ध्यान से सुना जाए तो शादी से जुड़ी रस्मों को आसानी से समझा जा सकता है। लगन के गीत गाते हैं, फिर शहर में बैठते हैं, एक कलशा जलाते हैं, हमारे परैया चलते हैं, उस परैया में फिर हमारे द्वार रहते हैं, बैगा बैगा बोलते हैं, भूमका बैगा, उस बैठते हैं, फिर परैया छीर कड़िया कलश जलाते हैं, उसके फिर लगन का गीत गाते हैं। कौन से दादी रे तुरे लगन धारा, कौन से दादी रे तुरे लगन धारा, जुड़ा चाउर आया लगन धारा, जुड़ा चाउर आया लगन धारा। जैसे लड़का के टुरिया हो गए, लड़का है उनके दादी के नाम लेते। अच्छा। हाँ, तो फिर लगन धराते है, ऐसे तो दादी के नाम लेके कहते हैं कि दादी तुरी लगन धराए, ऐसे कह के बोलते हैं।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि गौंड समुदाय के शैला और रीना नाच के बारे में आप कुछ समझ पाए होंगे, कुछ जान पाए होंगे। मैं भी भारत की टीम मंडला ज़िले के आदिवासियों से मिलने के सिलसिले में उनके सुख दुख, उनके संघर्ष, उनके ज़िंदगी के मसलों को भी समझने की कोशिश कर रही है। हम उनके विस्थापन, पलायन और आजीविका के मुद्दों पर भी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप देख रहे होंगे और आप इन ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखकर क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।